अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है। अहसन अलवी इब्न अली बात कर रहा हूँ। मेरी ये जो रिकॉर्डिंग है, ये शॉर्ट जो सॉरी कोर्स सिलेक्शन जो है ना ओपन हुई है उसके मुतल्लिक है। तो आप जो है ना, अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं कि वो इसके ऊपर नेगलिजेंसी की वजह से या प्रॉपर नॉलेज ना होने की वजह से एक्स्ट्रा सेमेस्टर भी लगाना पड़ जाता है उन लोगों को ना। तो काफ़ी बच्चे मैसेज पे मैसेज कर रहे थे, काफ़ी कन्फ्यूजन थी उनके अंदर, कुछ समझ नहीं उनको आ रही थी कोर्स सिलेक्शन में काफ़ी बच्चों को। तो मैंने सोचा फिर मैं इसके ऊपर फिर वीडियो बनाता हूँ एक, ताकि और ये कंप्लीट इसके अंदर होगी इंशाल्लाह। आप इसको फॉलो करें, आपको बहुत बेनिफिट इंशाल्लाह इसमें इससे होगा। मज़ीद अगर आप ये मेरा, वैसे तो आप लोग ऑलरेडी जानते ही हैं मुझे, ये फेसबुक आईडी है और अहसन अलवी इब्न अली के नाम से मेरा ये फेसबुक ग्रुप है ये वाला, ठीक है। और इसी नाम पे ये फेसबुक पेज है और इसी नाम पे चैनल है मेरा, ठीक हो गया। मजीद अगर किसी किस्म की आपको जो है ना वो कोई चाहिए हो इन्फॉर्मेशन या कुछ पूछना हो तो एनी टाइम मुझे आप कॉल कर सकते हो। तो ये ज़रा मैंने एक पैकेज निकाला है, फ्री ट्यूशन, फ्री LMS मैनेजमेंट, फ्री शॉर्ट कोर्सेज वगैरह का, फ्री ट्यूशन भी मैं दे रहा हूँ VU स्टूडेंट्स के लिए। इंटर्नशिप रिपोर्ट्स या प्रोजेक्ट्स बनवाना हो तो वो उसके अंदर भी आपको कोई हेल्प चाहिए तो मैं इंशाल्लाह आपको प्रोवाइड करूँगा। तो बाकी LLB वाले स्टूडेंट्स जो है ना वो भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी सबसे पहले आप अपना LMS जो है ना उसको ओपन कर लें, ठीक है। उसके बाद अच्छा मैं एक चीज़ आपको बता दूं जो बहुत से बच्चे गलती करते हैं, पहले मैं उसको बता दूं। ये ग्रेड बुक का आपका है, ठीक हो गया ना। इसके ऊपर ये देखें जो BS वाले बच्चे होते हैं ना, ये मैं अगली बाद में बता, ये देखें ये आपके क्रेडिट आर जो आपने अर्न किए हैं, ठीक है। इस बच्चे के 96 हैं, ये आप जहन में रखें। अच्छा, जो चीज़ बताने वाली थी वो ये है कि ये देखें माई स्टडी स्कीम पे आपने क्लिक करना है। आप अक्सर बच्चों को यही नहीं पता कि उनको कितने क्रेडिट आर अचीव करने हैं। ये देखें 132, अब 132 में से ये कम अज़ कम CGPA 2.0 यानी कि होगा तो डिग्री इसकी वैलिड होगी। मिनिमम सेमेस्टर 8 कम अज़ कम लगेंगे। अब कई बच्चे मैंने देखे उनको क्रेडिट आवर्स का ही नहीं पता था, 132 में से अब 96 निकाल दें, इट मीन 36 क्रेडिट आर जो है ना उस बच्चे को मुझे चाहिए। अब कई बच्चे ऐसा करते हैं चार चार तीन तीन बुक्स रख लेते हैं, ऐसा ना किया करें, उसमें आपका जो है ना सेमेस्टर की लेंथ बढ़ जाती है क्योंकि सेमेस्टर मैक्सिमम इसका एक लिमिट होती है। तो ये 4 और 12 36 36 मीन्स 3 क्रेडिट आवर मोस्टली होते हैं एक बुक है, 12 बुक्स इसने मजीद पास करनी है। तो आप अपनी इस हिसाब से प्लानिंग भी कर सकते हो कि 12 बुक्स मैंने कवर करनी है, वो 2 सेमेस्टर के अंदर मैं कैसे मैनेज करूँ, ठीक है। आप कोर्स सिलेक्शन की तरफ आ जाते हैं, हम या स्टूडेंट सर्विस में आगे कोर्स सिलेक्शन पे आप क्लिक करें और उसके बाद ये देखें। अब इसके हमारी मेन चीज़ है जी, मेन पेज ओपन हो गया इसका। ये स्टूडेंट आईडी होती है, ये नेम वगैरह, स्टडी प्रोग्राम, ये CGPA, ये होता है आपका ओवरऑल अब तक जितने सेमेस्टर के अंदर आपका बना है। अब ये जो आपका इफेक्टिव CGPA जो होता है, इफेक्टिव CGPA होता है अगर आपका किसी बुक के अंदर F नहीं है ना तो तब आपका इफेक्टिव बनेगा, यानी कि विदाउट एनी एफ बुक, ठीक है ना। तो ये आपका वो होगा, अगर आपका इफेक्टिव ज़्यादा है CGPA दूसरे वाला सेमेस्टर वाला कम आया है, इट मीन्स आपका एफ आया किसी ना किसी बुक के अंदर। तो ये क्रेडिट आज आप इसने 96 अर्न कर लिया, ठीक है ना। अब एग्जेम्प्टेड एग्जेम्प्टेड होते हैं, अगर किसी और यूनिवर्सिटी से VU के अंदर आप शिफ्ट करते हो ना तो कोर्स एग्जेम्प्ट हो जाते हैं, जो आपने पहले पढ़े होते हैं, ठीक है ना, वो आपके ऐड हो जाते हैं इसके अंदर ना, वो VU में आप नहीं पढ़ते थे। अब इसका करंट सेमेस्टर 7 है, ठीक है, 18, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, 18 जितने क्रेडिट आवर्स आपको मिलेंगे उतने ही उस हिसाब से आप बुक्स रख सकते हो। अब इसके अंदर ये चीज़ है कि जो वर्चुअल के अंदर क्रेडिट आवर्स का हिसाब है ना, जो पाक स्टडी है ना उसके 2 क्रेडिट आवर होते हैं, इस्लामियात के 1 क्रेडिट आवर है, और उसके अलावा जो CS 619 वाला प्रोजेक्ट होता है उसके 6 क्रेडिट आवर्स होते हैं। बाकी जितनी भी बुक्स होती है ना वो VU के अंदर सब के 3 क्रेडिट आवर्स होते हैं, ठीक है ना, ये आपने जेहन में रखना है। अब इसके अंदर एक और मैं आपको चीज़ बता दूं, जो CS 619 जो प्रोजेक्ट होता है ना, ये देखें ये 6 क्रेडिट आवर्स इसके शो हो रहे हैं, ठीक है ना। अब इसका कॉम्बिनेशन, अब इसके अंदर ना एक और चीज़ होती है बेसिकली, यहाँ पे आपके ना डी ग्रेड शो भी होते हैं, डी ग्रेड्स इसके तो नहीं शो हो रहे, इसके नहीं हो गए ना डी ग्रेड, इसलिए डी ग्रेड उसको क्लियर करना लाजमी नहीं होता, वो ऑप्शनल चीज होती है, आप चाहो उसको इम्प्रूव कर लो चाहो ना करो, पूरी डिग्री के अंदर आप एक बार उसको बस जो है ना रिपीट कर सकते हो। अब फेलियर बुक जो इसकी अब ये शो हो रही है, ठीक है ना, मैं सजेस्ट ये करूंगा कि आप फेलियर बुक को लाजमी रखें,
क्योंकि आपके ऑलरेडी कॉन्सेप्ट भी होते हैं, अगर आप इस सेमेस्टर के अंदर इसको कंटिन्यू करोगे तो इसके लिए आपके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ होगी। एक और चीज़ आपको मैं बता दूँ, करंट सेमेस्टर अब इसका 7 है। फर्ज करें अगर इसे बच्चे का सेमेस्टर नंबर 3 होता तो ये अपकमिंग किसी भी सेमेस्टर में से बुक रख सकता था, ठीक है ना। अब इसका सेमेस्टर नंबर 7 है तो ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ 7 वाले सब्जेक्ट्स ही रखेगा, ये 8 में से भी रख सकता है, यानी कि आने वाले सेमेस्टर में से भी आप कोई बुक सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। लेकिन वो फिर जब स्कॉलरशिप का कोई चक्कर होता है ना तो उसके अंदर फिर आप एलिजिबल नहीं होते, ठीक है। तो बाकी स्कॉलरशिप तो मोस्टली बच्चों की नहीं भी लगती वैसे ना, 80-90%। तो ये सीन है बेसिकली। तो ये आप देखें, आप इसके 8-6 बुक्स ये रख सकता है ना, यानी कि 18 क्रेडिट आ जाए इसके। अब ये फर्ज करे 1-2-3 बुक्स ये इसने रख ली, एक फेलियर वाली रख ली 4। अब ये 3, ये क्रेडिट आर इसके 3 दिन शो हो रहे हैं, 3 ज़रब 4 12 हो गए। अब प्रोजेक्ट जो सी एस 619 होता है ये 2 सेमेस्टर कवर करता है, कम अज कम 2 सेमेस्टर जो है ना ये लाजमी कवर करता है। तो इसलिए इसको आप पहले रख लें, जैसे ही ऑप्शन आती है इसकी रख लें। MIT MCS वगैरह का ना 3rd सेमेस्टर के अंदर आता है, इसके भी क्रेडिट आर जो है ना वो जो BS प्रोग्राम है उसके अंदर 90 क्रेडिट आर्स अगर हो गए आपके तो आप एलिजिबल होते हो। ये देखिए इसके 96 है तो ये एलिजिबल है। तो अगर MIT वगैरह है तो उसके अगर 45 हो जाएंगे ना, क्योंकि मास्टर लेवल पे जो होते हैं ना क्रेडिट आर रिक्वायर्ड जो होते हैं डिग्री कंप्लीट करने के लिए वो 60 या 66 होते हैं। तो ये अब इसका 90 से ज़्यादा क्रेडिट आज हो गए इसलिए ये एलिजिबल हो गया। अगर ये इस बार नहीं रखेगा, अगली बार रखेगा तो इसको एक एक्स्ट्रा सेमेस्टर लगाना पड़ सकता है, क्योंकि ये जो इसका ना ये 2 सेमेस्टर कवर करता है CS619 प्रोजेक्ट। बाकी जितने भी प्रोजेक्ट्स इंटर्नशिप रिपोर्टें होती हैं वो 1 सेमेस्टर ही कवर करता है, ठीक है। ये इसकी मैंने वीडियो वैसे बनाई हुई है, वो आप फर्दर देख सकते हो प्रोजेक्ट की। अब ये इसकी मैंने रख लिया 6 क्रेडिट आज इसके हो गए और 12 पहले थे, 12 और 6 18 हो गए। अब ये हमने सेव सिलेक्शन कर ली, ठीक हो गया। अब ये लोड सिलेक्शन पे करोगे तो इसके कोर्सेज लोड हो जाएंगे LMS पे, ये अपडेट के लिए। अब इस पर क्लिक करोगे तो आपकी जो ये CGPA कैलकुलेटर है इसे आप CGPA कैलकुलेट कर सकते हो। ये आपकी प्रोजेक्टेड फीस वाउचर, वाउचर कितना बन सकता है आपका ना, ये 14,500 आपका बनेगा, ठीक है ना। तो ये इसके अगर इंस्टॉलमेंट्स करोगे तो ये 2,250 रुपये के हिसाब से बनेगी, ठीक है ना। एक और चीज़ आपको मैं क्लियर कर दूँ, ये अब इसकी सिलेक्शन हो गई है, ठीक है। इसकी सिलेक्शन तो हो गई है, आप देखें, ये देखें इस एक ये इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ। अब ये सिलेक्शन इसने कर ली है, लेकिन अगर फर्ज करें इन फ्यूचर अगर ये चाहता है वो मुझसे मिस्टेक होगी, मैंने ये CS607 नहीं रखनी थी, मैंने तो ये रखनी थी, तो ये दोबारा भी आप एडिट कर सकते हो, जितनी बार मर्जी इसको एडिट करो, जो मर्जी करके दोबारा सेव पे क्लिक करो, कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं, कोई कन्फ्यूजन नहीं, ठीक है। आप कर सकते हो लास्ट डेट तक, अभी लास्ट डेट तक आप जितनी बार मर्जी इसको कर लो। अब ये जो है ना ये 2 बुक्स में से आप 1 बुक रख सकते हो, ठीक है। अब एक और मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बताने लगा हूँ, वो आपने लाजमी जहन में रखनी है, वो जो है ना वो अक्सर बच्चे नहीं उसको फॉलो करते, जिस वजह से उनको सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है। ये देखें इसके अंदर तो इसकी प्री रिक्विजिट बुक्स नहीं है, आपके आपने अपने स्टडी प्रोग्राम में देखना है, अगर आपकी यहाँ पे प्री रिक्विजिट बुक्स होंगी ना वो आपने पहले रखनी है, ठीक है। और ये जो जो रिक्वायर्ड बुक्स होती हैं ये आपने पहले रखनी है, और जो प्री रिक्विजिट होती है मसलन यहाँ पे अगर फर्ज करे CS201 है और इसकी बेस के ऊपर फर्ज करे, क्योंकि CS201 जो होता है ना जब तक वो क्लियर ना हो ना MIT MCS में तो वो आपका CS619 प्रोजेक्ट नहीं आता। अब यहाँ पे वो फिर CS201 कुछ बुक्स ऐसी होती हैं जिनको पास करना बहुत ज़रूरी होता है, वो बुक आप क्लियर करोगे तो आप जो है ना कोई और बुक रख सकते हो, अदरवाइज आप बुक नहीं रख पाओगे, ठीक है ना। तो ये भी एक लाजमी चीज़ होती है, वो जब कोर्स सिलेक्शन आप करते हो तो यहाँ पे शो हो जाती है आपको ना यहाँ पे, और सम टाइम आप यहाँ पे कोई चीज़ सिलेक्ट करते हो सिलेक्ट नहीं होती, इसका मतलब होता है कोई ना कोई ऐसी वजह है कि वो सिलेक्ट नहीं हो रही हो आपकी ऑप्शन ना। तो ये आपका बेसिकली जो एक चीज़ है, बाकी बहुत सी ऐसी बुक्स होती हैं जिसके अंदर आपको ये 90% से ज़्यादा चांसेस होते हैं कि फेल कर देंगे, मुझे ऐसे तमाम बुक्स का पता होता है। ये मैंने स्टेटस भी लगाया था ग्रुप अपने ग्रुप के अंदर ना, इस ग्रुप के अंदर पेपर का रिजल्ट आने से 2 हफ्ते पहले, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने प्रडिक्शन की थी 90% वही बुक्स ऐसी थी जिनमें F आया बच्चों का।
और 2 महीने पहले मैं बच्चों को पेपर भी बता देता होता हूँ कि आपका पेपर कौन सा आएगा, कहाँ से आएगा, क्या चीज़ है, ठीक है ना। तो ये मुझे 4 साल से तकरीबन ज्यादा ही अर्सा हो गया वीयू के अंदर, तो मुझे अब इसका काफी नॉलेज हो चुका है ये क्या करते हैं बच्चों को। बहुत सी ऐसी बुक्स हैं इसके अंदर आपको जानबूझ के भी फेल किया जाता है। मैं जर्नलिस्ट भी हूँ, लॉयर भी हूँ, और मैं बड़े अच्छे से इनको समझता हूँ। तो बाकी जो बच्चे मुझे वो देर से जानते हैं वो मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मतलब मैं उनकी बड़ी सपोर्ट करता हूँ, और उनको पता भी है कि सर एहसन जो कहते हैं वो हतमी चीज़ होती है, और उनको बड़ा पता होता है चीज़ों का। तो बहरहाल ये जो है ना, आप रब्ता कर सकते हो। बाकी फ्री ट्यूशन, फ्री गैस, LMS मैनेजमेंट, और या ऑनलाइन जॉब्स वगैरह, प्रोजेक्ट बनवाना, या कुछ भी, LLB वाले स्टूडेंट्स मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है ना। मैंने तो कोशिश पूरी किया कि मैं हर चीज़ जो है ना डिलीवर कर दूँ आपको हर लिहाज से, फिर भी कुछ चीज़ रह गई हो तो आप मुझसे जो है ना दोबारा कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और बाकी जो है ना, कोर्स सिलेक्शन करते वक्त आप अपनी मुझे ऐसे बुक्स का पता होता है कौन सी बुक ज़्यादा टफ है, किसकी असाइनमेंट्स मुश्किल होती हैं, किसकी नहीं। अगर किसी को इस तरह की कोई हेल्प चाहिए, पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। किसी भी कोई असाइनमेंट्स वगैरह मैं इधर अपलोड करता रहता हूँ, पास पेपर और गेस्ट मेरे होते हैं, फ्री ट्यूशन दे रहा हूँ। तो बाकी फर्दर आपको मजीद कोई इन्फो चाहिए कुछ भी, तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो कोर्स सिलेक्शन आप अच्छे से कीजिएगा काइंडली, ठीक है ना। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कोई चीज़ ऐसी जो मैं नहीं एक्सप्लेन कर पाया, आपको पूछना है, तो आप मुझे कमेंट करके नीचे आप मुझसे पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब करने शॉर्ट लेक्चर्स वगैरह के लिए, और बाकी इन्फॉर्मेशन इधर मैं अपलोड करता रहता हूँ, ठीक है। जजाक अल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज़।